आज की हमारी इस ऑनलाइन क्लास में हम बात करने जा रहे हैं प्रोटेक्शन मेथड की, कि हाउ कैन प्रोटेक्ट योर सीड सेल रेंज ईटीसी। तो प्रोटेक्शन मेथड हमारा आज का टॉपिक है कि किस तरीके से हम अपने डेटा में प्रोटेक्शंस अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम बात करते हैं अपने डेटा की। ये है डेटा जो आपके सामने दिख रहा है, मेरे पास डेटा है। मैं चाहता हूं कि कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को किसी तरह का छेड़छाड़ और चेंज ना कर सके, कोई भी पर्सन मेरे डेटा को छेड़छाड़ ना कर सके। कैसे होगा? तो इस पे हम राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाएंगे और यहाँ पे अपना पासवर्ड लगा देंगे। पासवर्ड लगा के जस्ट ओके प्रेस करेंगे। यहाँ एक चीज देख लीजिए, पासवर्ड लगाने से पहले यहाँ पे क्लियर लिखा हुआ है कि इफ यू लॉस और फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। समझे? इफ लॉस एंड फॉरगेट द पासवर्ड इट कैन नॉट बी रिकवर्ड। तो माइक्रोसॉफ्ट पासवर्ड को रिकवर करके नहीं देगा। तो पासवर्ड डालने से पहले इसका ध्यान रखिएगा। अब मैंने टाइपिंग कर दी तो अब इसमें मैं किसी तरह नहीं कर सकता, पर डेटा को सिलेक्ट करके कॉपी करके किसी भी अनदर शीट पे जाके मैं पेस्ट कर सकता। ठीक है, मैं चाहता हूं कि मैं मेरा डेटा पेस्ट भी ना हो सके, मतलब कॉपी भी ना हो सके। देखिए, कॉपी को तो डिसेबल नहीं किया जा सकता, बट कॉपी को करने के लिए सबसे जो इंपॉर्टेंट चीज होती है वो होती है सिलेक्शन। समझे? कि बगैर सिलेक्शन का कुछ भी हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो सिलेक्शन तो इंपॉर्टेंट है, सिलेक्शन तो होगा ही होगा। लेकिन जब हम पासवर्ड अप्लाई कर रहे थे, मैं इसको अनप्रोटेक्ट करता हूं, जब मैं अपने सीट पे पासवर्ड अप्लाई कर रहा था तो आपने यहां पे देखा था अलाउ यूजर फॉर दिस वर्कशीट टू, कि यूजर को पासवर्ड डालने के बाद क्या क्या किया जा सकता है। तो इसमें बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट लॉक्ड सेल एंड सिलेक्ट अनलॉक्ड सेल आ रहा है। अभी चीज को समझना होगा कि लॉक्ड सेल एंड अनलॉक सेल होता क्या है, राइट सर? तो इसके बारे में हम बाद में समझेंगे, लेकिन इसमें पासवर्ड डालते समय सिलेक्शन की मेथड है, तो हमने यहां पे सिलेक्शन हटा दिया। मतलब कि हम लॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते हैं, नहीं अनलॉक सेल को सिलेक्ट कर सकते, सिलेक्शन कर ही नहीं सकते। उसके बाद यहां पे हम ओके करते हैं। अब देखिए, हम कहीं पे क्लिक नहीं कर पा रहे, नहीं कर पा रहे ना। अब कहीं पे क्लिक नहीं होगा तो ये आपका ओपन भी नहीं होगा। राइट सर? अच्छा, कॉपी ओपन नहीं हुई करें, मतलब है कि हम इसको सिलेक्ट किए बगैर कॉपी तो ही कर सकते। क्लियर है सर? अतुल जी, पुनीत जी, विदाउट इसमें सर एक बार रिपीट। जैसे कि मैं सर मिस कर गया क्या? देखिए, मैं चाह रहा था कि मेरा कोई भी पर्सन मेरे इस डेटा को कॉपी ना कर सके। तो एक्सेल में हम कॉपी को तो डिसेबल नहीं कर सकते, लेकिन कॉपी करने के लिए सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। तो हम जब भी पासवर्ड अप्लाई करते हैं तो यहां पे होता है अलाउ यूजर ऑफ दिस वर्कशीट टू, राइट? कि यूजर को अलाउ किया जाता है कि इस पासवर्ड डालने के बाद कौन क्या क्या कर सकता है। जैसे मैंने अगर यहाँ पे फॉर्मेट सेल पे क्लिक करके ओके कर दिया तो पासवर्ड डालने के बाद भी हम सेल की फॉर्मेटिंग कर सकते हैं, ये सारी चीज होती है। तो डिफॉल्ट जो होता है चेक्ड होता है सिलेक्ट अनलॉक, ये होता है आपका लॉक अनलॉक सेल जो है डिफॉल्ट चेक्ड होता है। आप इसको एक बार हटा दीजिए यहां से।
एंड ओके। अब कहीं पे हमारा अब कहीं पे क्लिक ही नहीं होगा तो जाहिर सी बात है कि अप्लाई भी नहीं होगा, कॉपी भी नहीं होगा, कॉपी अप्लाई नहीं होगा। अब समझ में आया सर? सर क्लियर है? आया क्लियर क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं एक सिलेक्टेड एरिया को कॉपी से बाहर। देखिए जब पेन जब हम प्रोटेक्शन अप्लाई कर रहे थे, प्रोटेक्ट कर रहे थे, तो यहां पे था अलाउ, यहां पे प्रोटेक्ट वर्कशीट एंड कंटेंट ऑफ लॉक सेल। तो जो लॉक सेल है वो उसी को प्रोटेक्शन कर रहा है। अब इससे पहले भी हमें यहाँ पे लॉक्ड अनलॉक के बारे में बातचीत की है, तो अब जानना है यहाँ पे कि लॉक अनलॉक होता क्या है। ठीक है, तो देखिए डिफॉल्ट राइट क्लिक करते हैं तो फॉर्मेट सेल के प्रोटेक्शन पे, जिस सेल पे ऐसे तो डिफॉल्ट हर सेल पे लॉक्ड पे क्लिक रहता है, तो डिफॉल्ट जिस सेल पे ऑलरेडी लॉक्ड पे क्लिक है दिस इज द लॉक्ड सेल, और जिसका नहीं क्लिक है वो हमारा अनलॉक्ड सेल। ठीक है, तो हमें जिस पे लॉक्ड पे क्लिक है उसी पे पासवर्ड अप्लीकेबल होगा, बाकियों में पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं होगा। तो हम इसको सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, यहां से लॉक्ड को हटा देते हैं। मैं लॉक्ड को हटा दिया, इसका मतलब है कि जब मैं पासवर्ड अप्लाई करूंगा तो इस पे लॉक्ड हटा हुआ है, मतलब कि ये अनलॉक्ड है, तो अनलॉक सेल को जो है इस पे प्रोटेक्शंस अप्लीकेबल नहीं होगा, मतलब मैं यहां टाइप नहीं कर सकता बट यहां पे टाइप कर सकता। समझ में आया सर आप लोगों को? हेलो, समझ में आया सर आपको ये? जी अनलॉक सेल पे ये नहीं होगा ना सर, एप्लीकेबल नहीं होगा जी। इसी का उल्टा मुझे करना है, मैं चाहता हूँ कि एक सिलेक्टेड एरिया पासवर्ड मैं पूरी पासवर्ड में, इसमें हमने क्या किया था कि एक सिलेक्टेड एरिया पासवर्ड से बाहर, मैं चाहता हूँ कि एक सिलेक्टेड एरिया पासवर्ड के अंदर में रहे, बाकी एरिया पासवर्ड से बाहर। तो बाय डिफॉल्ट तो हर एक से लॉक्ड होता है ना सर, तो हम क्या करेंगे पूरे सीट को सिलेक्ट करेंगे, राइट क्लिक करेंगे, और इसको फॉर्मेट सेल में अनलॉक्ड कर देंगे। तो अभी हम पासवर्ड डालते हैं, हर सेल पे हमारा लॉक एप्लीकेबल होगा। उसके बाद इस रेड एरिया पे वापस हम अपना पासवर्ड अप्लाई कर देते हैं। अब मैं इसमें राइट क्लिक करके प्रोटेक्ट शीट पे जाता हूं, पासवर्ड डाल के ओके करता हूं। देखिए मैं पासवर्ड नहीं डाल रहा क्योंकि तो बताया था ना पासवर्ड रिकवर नहीं होता, मैं बराबर भूल जाता हूं, इसलिए ठीक है।
इसमें हम यहाँ पे कुछ भी टाइप कर सकते हैं, बट यहाँ पे लेकिन आप सर पासवर्ड नहीं डाल रहे, तो ये काम कैसे कर रहा है? पासवर्ड अप्लाई हो रहा है ना, अनप्रोटेक्ट करने के लिए पासवर्ड नहीं मांगेगा, बट बाकी प्रोटेक्शन में सारे फीचर होगा ना सर। समझा नहीं सर, सॉरी आपका आवाज ब्रेक हो रहा है। सर बोल रहे हैं कि पासवर्ड अप्लाई हो, पासवर्ड जो है वो तो अप्लाई होगा ना, हम पासवर्ड डाल रहे हैं तो प्रोटेक्शन तो अप्लाई होगा, अनप्रोटेक्ट करेंगे तो पासवर्ड नहीं मांगेगा। जी ठीक है जी, अब इसका यूज क्या है अपने ऑफिस में क्या यूज करेंगे? चलिए एक छोटा सा डेटा बनाते हैं, नेम क्वांटिटी अमाउंट टैक्स कमीशन देन टोटल डेट, डेटा एंट्री हमें करना है। तो इसमें क्या है कि हमारा जो अमाउंट है वो क्वांटिटी मल्टीप्लाई बाय एमआरपी है, क्वांटिटी के साथ हमने एमआरपी को मल्टीप्लाई किया है। टैक्स जो है अमाउंट का मान लीजिए 18% है, कमीशन इसका 2% है, और फिर इसका टोटल है। अब मैं कोई एंट्री करता हूं, जैसे मैंने यहां पर लिखा पूजा, क्वांटिटी में 20 डाला, एमआरपी में 36 डाला, तो मुझे डेट को एंट्री करने के लिए मतलब कि 4-5 कॉलम पार होकर आना पड़ रहा है। ठीक है, तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे डालूं और सीधे यहां पे जंप करूं, तो हम पूरे सीट को सिलेक्ट करते हैं, राइट क्लिक करते हैं, फॉर्मेट सेल में जाते हैं, यहां से हम लॉक्ड को हटा देते हैं और सिर्फ हम जो फॉर्मूला वाला एरिया है उसको सिलेक्ट करते हैं और इसमें हम वापस लॉक्ड को लगा देते हैं। अब जब पासवर्ड हम डालेंगे तो पासवर्ड डालते समय यहां हम लॉक्ड सेल को अनचेक कर देते, सेलेक्ट ओनली फॉर अनलॉक्ड सेल, देन ओके। अब यहां पे मैं डालता हूं उदय 20, 30 और देखिए जैसे एंटर प्रेस करूंगा मेरा कर्सर सीधे डेट पे जाएगा, तो यहां से करूंगा तो मेरा कर्सर जो है उनके बीच में आएगा ही नहीं, इससे क्या होगा आपका फॉर्मूला भी सिक्योर रहेगा और आपको जहां जहां एंट्री करनी है आपका कर्सर वहीं पे मूव होगा, जहां पे एंट्री नहीं करनी है वहां पे मूव नहीं होगा। मतलब लॉक सेल पे वो नहीं जाएगा कर्सर, अनलॉक पे जाएगा। जी जी, जैसे कि फॉर्म वगैरह बनते हैं ना, मान लीजिए फॉर्म हमने बनाया यहाँ पे, मैंने यहाँ दिया नेम, मैंने यहाँ दिया सिटी, सिटी और यहाँ पे देता हूं मैं मान लीजिए अमाउंट, ऐसे फॉर्म है। तो मैं चाहता हूं कि मैं यहां पे टाइप करने के बाद जब एंटर मारता हूं या टैब मारता हूं तो कर्सर नीचे आगे जाता है, यहां ना जाके सीधे यहां पे जंप करे, फिर यहां से यहां पे। सबसे पहले तो मैं इन तीनों को सेलेक्ट करके राइट क्लिक करके फॉर्मेट सेल में जाऊंगा और इसमें लॉक को हटा दूंगा। लॉक हटाने के पीछे पर्पस क्या है, ताकि इस पे टाइपिंग हो सके। फिर पासवर्ड लगाते समय हम क्या करेंगे, इस लॉक्ड को हटा देंगे, सिलेक्ट लॉक सेल को हटा देंगे।
अलावा कहीं कर्सर जा रहा है, जा एंटर मारा कर्सर डायरेक्ट आए, तो फॉर्म अगर आप बना अनलॉक पे जाएगा, समझ में आ गया आप लोग सर? पुनीत जी समझ में आ गया? Yeah. इसमें आगे बढ़ते हैं, अगला ऑप्शन की तरफ बढ़ते हैं। मैं चाहता हूं कि मेरे सीट पे जो है दो डिफरेंट पासवर्ड, ठीक है, मान दो, एक ही सीट पे दो या दो से ज्यादा भी हो सकता है। हालांकि मैं एक सीट पे ए जो है मिस्टर ए की एरिया है या मिस्टर बी का एरिया है। अच्छा तो मिस्टर बी मिस्टर ए के एरिए पे कोई चेंज ना कर सके, मिस्टर ए मिस्टर बी के एरिए पे चेंज ना कर सके, राइट? तो थोड़ा आवाज कट रहा है सर, एक सेकंड होल्ड कीजिए। हेलो जी, बोलिए सर। आशा आप सही आएगा आवाज। तो मैं आपसे ये बोल रहा था कि मेरे सीट पे दो एरिया है, मिस्टर ए का और मिस्टर बी का। मैं चाहता हूं मिस्टर बी मिस्टर ए के ऊपर चेंज ना कर सकते, मिस्टर ए मिस्टर बी के ऊपर चेंज ना कर सके, मतलब कि एक ही सीट पे मैं दो अलग अलग पासवर्ड देना चाहता। तो सबसे पहले तो मैं सेलेक्ट करता हूं और हम रिव्यू टैब में आते हैं। रिव्यू टैब में एक होता है अलाउ एडिट रेंज, इस अलाउ एडिट रेंज पे आते हैं, न्यू पे आते हैं और हम इस यहाँ पे एरिया को सिलेक्ट करके फिर यहाँ हम पासवर्ड अप्लाई करते हैं, पासवर्ड को हम कंफर्म करते हैं, वापस न्यू पे आते हैं और यहाँ पे हम अपना दूसरा एरिया जो मिस्टर बी का एरिया है और मिस्टर बी का एरिया को सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे मिस्टर बी का पासवर्ड डालते हैं, पासवर्ड को कंफर्म करते हैं, देन ओके, देन अप्लाई, देन ओके। अब मैं यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ, यहाँ पे भी चेंज कर सकता हूँ। अभी पासवर्ड अप्लीकेबल नहीं हुआ, पासवर्ड अप्लीकेबल कब होगा? जब आप सीट को प्रोटेक्ट करेंगे। सीट को सिलेक्ट कीजिए, यही पे आप कर लीजिए प्रोटेक्ट सीट, पासवर्ड डालिए, देन ओके कीजिए। तो अब वो रेड और ग्रीन एरिया के अलावा कहीं और जैसे मैं रेड एरिया पे जाऊंगा चेंजिंग करने के लिए मुझसे पूछेगा पासवर्ड। मैंने यहाँ पे पासवर्ड अप्लाई कर दिया एंड ओके किया, तो अब मैं मिस्टर ए की जो रेड एरिया है इस एरिया पे काम कर सकता हूँ, इस पे मैं चेंजिंग कर सकता हूं। अब तक जब तक कि मैं अपने फाइल को रीओपन नहीं कर लेता, जैसे ही फाइल को रीओपन करूंगा वापस मुझे पासवर्ड देना होगा, बट यहां पे चेंज करने के लिए आऊंगा तो फिर मिस्टर बी का पासवर्ड मिलेगा, मिस्टर ए का पासवर्ड गलत दिखाएगा, इसका पासवर्ड अलग है। तो ऐसे ही आप डिफरेंट पासवर्ड सेम सीट में अप्लाई कर सकते हैं। इसमें लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है सर? नहीं, इसको लॉक अनलॉक करने की जरूरत नहीं है सर, रेंज दे दिया इसके लिए। लेकिन सीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, बिना सीट प्रोटेक्ट करने को नहीं होगा सर। अच्छा, सीट को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो अभी आपने जो सीखा सीट के अंदर की जो डेटा प्रोटेक्शन होती है उसके सारे एंगल से आपने देखे, बट आपका सीट प्रोटेक्टेड नहीं है। मैं सीट पे राइट क्लिक करके पूरी सीट को डिलीट कर सकता हूं,
मैं चाहता हूं कि मैं कोई सीट भी चेंज ना कर सकूं। तो यही रिव्यू में ही आपको प्रोटेक्ट वर्कबुक आता है, आप स्ट्रक्चर को प्रोटेक्ट कर दीजिए पासवर्ड। अब ना कोई सीट इंसर्ट होगी, ना कोई डिलीट होगी, ना हाइड होगी, ना हाइड होगी, ठीक है। तो सीट को इस तरह से प्रोटेक्ट कर सकते हैं, बट मैं चाहता हूं कि पूरी की पूरी फाइल ही प्रोटेक्ट करना, मतलब कि ये फाइल जब तक पासवर्ड ना डले तब तक ओपन ही ना हो। फाइल मेनू बार में सेव कर, सेव एज करते समय, अगर नई फाइल है तो सेव एज करते समय टूल्स के अंदर जनरल ऑप्शन होता है, इसमें जाके पासवर्ड डाल सकते हैं, पासवर्ड टू ओपन, पासवर्ड टू मॉडिफाई। एक पासवर्ड डालोगे तो फाइल आपका खुलेगा, दूसरा पासवर्ड डालोगे तो एडिट मोड में खुलेगा, अगर दूसरा पासवर्ड आप नहीं डालते हो तो फिर वो रीड ओनली मोड में खुलेगा, मतलब कि आप कुछ भी कर सकते हो बट डेटा को सेव नहीं कर सकते। लेकिन ये तो नई फाइल में, किसी पुरानी फाइल को अगर हम सेव एज कर देंगे तो क्या होगा कि उससे लगा लिंक वगैरह टूटने का डर रहता है, दिक्कत हो सकती है। बट आपको फाइल को बगैर सेव एज किए अगर उसमें पासवर्ड अप्लाई करना हो तो आप कर सकते हैं। कैसे? इन्फो के मदद से। इन्फो में प्रोटेक्ट वर्कबुक में इसी में होता है एनक्रिप्ट विथ पासवर्ड। ऐसा आपने यहाँ पासवर्ड जो डाल दिया तो ये पासवर्ड कौन सा डालेगा? फाइल की ओपनिंग पासवर्ड। बगैर पासवर्ड की कोई भी पर्सन इसको खोल नहीं सकता है, समझ गए? डिलीट कर सकता है फाइल को? हाँ, फाइल डिलीट कर सकता है, क्योंकि फाइल तो फोल्डर का, फाइल अगर किसी फोल्डर में सेव है और डिलीट एंड डिलीट कर रहा हूं तो फोल्डर का पार्ट है ना सर, ठीक है? ठीक है सर। कोई डाउट? ये फॉर्मूला हाइड कैसे होता है सर? फॉर्मूला कभी मैं देखता हूँ तो जैसे मैं चाहता हूँ कि 20+30 ये फॉर्मूला इसमें लगा हुआ है, मुझे हाइड करना सर, उल्टा तो हाइड करना है, कोई दिखे नहीं, तो राइट क्लिक कीजिए फॉर्मेट सेल पे, लॉक्ड के नीचे हिडन था, इस हिडन पे क्लिक कीजिए एंड फिर प्रोटेक्ट कर दीजिए। तो कर्सर इस पे जाएगा लेकिन ऊपर कुछ दिखेगा नहीं, यहां देखिए यहां दिख रहा है ना, बट इसमें नहीं दिखेगा, ठीक है जी। और कुछ जानने लायक? और कुछ जानने लायक इसमें? जब आप हर एंगल से, तो आपको मैंने बता ही दिया, सीट को प्रोटेक्ट करना सिखा दिया, फाइल को प्रोटेक्ट करना सिखा दिया, एक पर्टिकुलर एरिया को सिलेक्शन से बाहर करना, सारी चीजें इसमें है। अब बस एनालाइज करें, आपको ऐसा कुछ लगा कि आपको और कुछ इसमें है जो कि नहीं बताया मैं, बताइएगा, हम आपको दोबारा बता देंगे, ठीक है? ठीक है। तो हिडन ऑप्शन फॉर्मूला के लिए है जी? हाँ जी। तो इसकी प्रैक्टिस कीजिए, कल हम बात करेंगे डेटा फिल एंड सॉर्टिंग की, ठीक है? ठीक है। कल थोड़ा जल्दी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए ना, 9:30 तक, ठीक है सर? ठीक है।